तो दोस्तों बहुत ही जल्दी पहुंच के हम किसी को देने वाले हैं सरप्राइज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुकृति व्लॉग्स में। और आज हम रेडी होके व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि अभी सुबह इतनी जल्दी जल्दी उठ रही कि अभी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो फिलहाल दिखाती हूँ हम कौन कौन जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। वैदिक, आर यू रेडी? यहाँ पे है सानू, सानू के पापा, सानू की मम्मी सैली, वैदिक और ये पापा भी है भाई, पापा भी हैं। क्या ऊपर है मम्मी? तो यहाँ पे बैठे हैं सैली, वैदिक और मासी और साथ में मैं। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? आगे बैठे हैं ये, कितना टाइम लगेगा? और सुधीर और सानू, अरे वाह, सौम्र तमराज के लिए, यमराज के लिए खा रहा है, चिप्स खा रहा है। तो दोस्तों पहले हम पहुंचते हैं और फिर बताते हैं कि आज हम कहां जा रहे हैं और किस रीजन से जा रहे हैं। बस दोस्तों अभी हैं हम रास्ते में, होपफुली 15 मिनट या 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, एक्साइटेड हो? यस यस, क्योंकि ये देखो, हाँ ये मासी का बैग खोल रही है, कह रही कुछ निकल जाए, बट कुछ नहीं है, कोई कैश नहीं रखता, ऑनलाइन जमाना है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी पहुंच के हम किसी को देने वाले हैं सरप्राइज। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं हम, और तो चलो चले वैदिक, वैदिक चले अंदर, चले चलो ऊपर, चलो ऊपर आ जाओ, ये कैप ठीक कर लो, इनको देखो, इनको देखो यहाँ, मैं तो चाह रहा हूं, कह रहे ससुराल आया हूँ, पहले कंगी वंगी सब चीज करूँ, कंगी डिटेल लगाऊंगा आज। तो फाइनली पहुंच गए हम और देखते हैं कि हमने जो सरप्राइज दिया था, हमने सरप्राइज दिया हुआ है। नमस्ते जी, कैसे हो? नमस्ते भाई, कहाँ है मम्मी? और बढ़िया, सब ब्लॉग बन रहा है। हाँ हाँ, मुँह नहीं धो रखा, बस ये ब्लॉग ऐसे तो होता है। बिना मुँह धोए भाई, आज तो बाप रे, उसी टाइम फोन किया था मैंने, और क्या उसी टाइम प्लान बनाया। अरे तो सासू जी का जन्मदिन है, बर्थडे भी इसका बच्चा, बर्थडे भी इसका बच्चा है। मैं बोलते बोलते मैंने कहा यहाँ से वहाँ आना जैन नगर, नहीं नहीं अच्छा सॉरी, हैप्पी बर्थडे। तो सासू जी को ना मैंने सुबह फोन किया था, लेके आए गए मैंने ना, ये लेकिन हम लेके आए नहीं, 10 बजे फोन किया था। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं और हम आए थे अपनी दीदी के घर, तो ये दीदी है वहाँ, जरा फोकस किया जाए दीदी पे, दीदी पे फोकस किया जाए, मुंह नहीं धोया दीदी तभी तो फोकस कर रहे हैं। दीदी से नहीं, दीदी की बेटी से मिलना है, ये बेटी की बेटे से, बेटे से मिलना है। अच्छा, बेटी के बेटे से मिलना है। ये देखो, ये देखो जो कि है अभी 3 मंथ का है ना, 3 मंथ का, अच्छा 3 मंथ का पूरा नहीं हुआ। तो मतलब कहते हैं ना कि जैसे पहली बार बच्चों को देखने जाते हैं तो वही देखने आए, मैं भी, मम्मी भी और मेरी सिस्टर भी, और साथ ही साथ आज है 30 तारीख, तो मम्मी का बर्थडे भी है, तो दो दो काम एक साथ हो गए। हैप्पी बर्थडे सासू, करिए ऐसी ऐसी हैप्पी बर्थडे कुछ है ही नहीं। मैं रोने लग गई थी, रोना आ गया था मुझे, जब तुमने फोन किया कि नहीं आ रहे, बस तभी तो आया मैं, समझ बस वही आंसू, वही आंसू हमें दिख गए, वही आवाज हमारे पास आ गई। हाँ बस आने का प्लान क्यों नहीं था, क्योंकि मतलब थोड़ा काम में बिजी था भाई, अंजलि जो है क्लाइंट वगैरह रख लेती है, तो देखो अच्छा बहुत ज्यादा लेट हो गए हम देने में। वो तो मैं बैग में से सामान निकाल रही थी, कल तो ये देख लें कि आज दीदी ने जो है, मैं पहले फ्रूट छुपा रही थी, कहीं सारे खा जाए। हाँ नहीं, अरे मैं लेने आ रहा था, छुपा रहे मम्मी। तो आसिफ भाई क्या खाना वाना बना रहे हो? अरे बाहर से खाना मंगा रखा, बाहर से? हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता किसी का पेट खराब हो, तो मैं ही खाऊंगा बाहर का खाना। नहीं, बाहर का दिखा दो पहले, है क्या? नहीं, सुनो देखिए लकड़ी,
लकड़ी बोलते हैं लच्छा पराठा अच्छा दाल चावल बना रखे ना मैंने अच्छा लेकिन मुझे विश्वास नहीं अपने बनाए हुए पे अच्छा अच्छा हमें विश्वास है हम खा लेंगे क्यों बाहर का बाहर का खा लेंगे अच्छी अच्छी डे है ना हमें विश्वास है हम बाहर का खा सकते हैं। ये पहला गिफ्ट जो है मेरे हाथों द्वारा तृप्ति नाराज जाएगी अच्छी लग रही है। ये भी आ जाएंगे। आ जाएंगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बेबी के लिए जो है गिफ्ट वगैरह जो भी चीजें दिख रहे हैं हाँ अब अपना लाओ बस मैं भी आ ही रहा है बस मेरा हमने सोचा बेबी को सब दे रहे हैं हम बेबी की माँ के लिए लेके आए हैं बेबी के पास तो बहुत गिफ्ट होंगे ना इसलिए हमने बेबी की माँ को दे मोटी नहीं है ये छोटू के लिए अच्छा लग रहा है मम्मी ने आप ही अपने कपड़े बना दिए तो मम्मी के लिए चलाया नानी ने दिए हैं बूढ़ नानी ने अच्छा आपका नानी उसकी भी नानी होगी उसकी बूढ़ नानी होगी अच्छा तो पहन भी लिए पहना भी लिए अरे शांति से पहन भी लिए उसने नहीं खोले ये पैसे मांगे होते हैं हां बाप को एक भी पैसा नहीं दिया मैं नहीं ऐसे गलत बातें सही रहती है मैं क्या हूं मैं नानी हूं क्या आप मेरी मौसी तो नानी हां नानी हूं आप नानी हैं नानी नानी बताओ इतनी सी एज में मुझे नाना बना दिया नाना बुढ़ापे का एक बाल भी नहीं आया है हाँ, नहीं एक तो आ गया तो दोस्तों हम नाना नानी भी बन चुके हैं तो ये एक्सपीरियंस भी आ गया कि चलो नाना नानी है ना तो? सही बात है बन चुके हैं लेकिन मुझे नाना बोलियो मत लगी मुझे भैया बोलियो नाना नानी मुझे भैया बोलना भैया भैया वैदिक मम्मी मुझे दो मम्मी मुझे दो मेरे को लगा पता नहीं क्या मांग रहा है वैदिक पकड़ ले एक बार गोदी में पकड़ ले बेटा एक बार उठा ले गोदी देख रहा उसकी मम्मी की तरफ अच्छा रहने दे बेटा बस 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 ठीक है बस तू भी लेगा ले भाई अंजलि की पसंद तो पसंद ही है तू दबने जाए है तू दब एक ही एक ही बार चॉइस सही बात है ये बात तो है ये बात तो माननी पड़ेगी वैसे अंजलि की पसंद ना नहीं दीदी की चॉइस बहुत अच्छी है मैं 7-8 साल पहले तुझे क्या होगा तूने एक चॉइस में बहुत गड़बड़ कर दी वेरी गुड वेरी गुड मारो मारो मार रहा 13 साल हो गए उस बात को मेरा तो मार रही जी मुझे वो तो दोस्त बताएंगे फिलहाल यहाँ पे 3 यार जो है निकल चुके हैं 3 यार रहेगा प्यार बेकरार तो बैठेंगे हम 3 यार हाँ आप मैं और बैक पाइपर आशीष भाई तो अभी हम जा रहे हैं सासू जी के लिए केक लेने के लिए क्योंकि आज हम यहीं से निकल जाएंगे शाम को तो सोच रहे हैं कि आसपास कोई भी बेकरी वाला मिलता है तो केक लेके चलते हैं कल की तैयारी भी करनी है ना कल की तैयारी तो सबसे पहले है रात में वही तैयारी करनी है क्योंकि कल जो है न्यू ईयर है 31 तारीख का पार्टी करेंगे रात में तो बस अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ है तो फाइनली जो है ये वाला केक ले लिया अभी हमने केक कटिंग के लिए मुझे लग नहीं था कि मारो बेटा मारो मम्मी अरे थूक मत मार
अब ले लेंगे जल्दी, तो मेरा नाम बता देगा, ये मैंने बंद करी। चलो बारी बारी दिल गाए तुम जियो हजारों साल मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोड़ो ना, ले बेटा उम्र बता दो दोस्तों को। उम्र तो बताओ, 57 50 मेरा बेटा थोड़ी है, दीदी की उम्र की बता रही है, तो बताना जरूरी है। अपने आप को बूढ़ा नहीं मानती थी कभी भी। अच्छी बात है, नहीं मानना चाहिए। मैं देख नो बेटा। अरे तो भाई जो है सासू जी का भी, तो जैसे कि आज है सासू जी का जन्मदिन, और सासू जी के जन्मदिन के उपलक्ष में यहाँ पे बर्थडे बना रहे हैं हम, दीदी के घर पे, दीदी के घर पे बर्थडे बना रहे हैं। फोकस किया जाए। तो सासू जी का सुबह सुबह फोन नहीं आया था, मतलब मैंने कहा था सासू जी को फोन, और सासू जी सुबह सुबह जो है डांट दिया अच्छे से, तो मेरी नींद खुल गई थी उस टाइम। तो फिर सासू जी ने कहा कि सो नहीं रखा था, एक आंख बंद थी, एक आंख खुली हुई थी, लेकिन दोनों आंख खुल गई। सासू जी ने कहा मैं कॉल नहीं करूंगी और जो है नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल लूं सीधे, और मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, ब्लॉक लिस्ट में तो मैं भी डालने वाला सासू जी का नंबर। इसमें से दो बातें बोली थी, दो मिसाई गई है। बच्चों को दे, देखो ये वीडियोग्राफर यहाँ पे पापा क्या चार्ज करते हो फोटो डिलीट करने का। दोस्तों बर्थडे भी मन गया, छोटू से भी मिल गए, और अब घर जाने का समय आ गया है, इन दोनों को तो इंतजार नहीं हो रहा। हाँ दोस्तों, तो बस जैसे कि बर्थडे बना लिया है, मिल गए यहाँ पे दीदी से भी और कविता से, कविता के बेटे से, बस अब चलते हैं घर को, क्योंकि कल जैसे पार्टी वार्टी है, तो फिर तैयारी करेंगे भाई। हाँ सासू जी नमस्ते। नमस्ते। चलो बाय बाय। फिलहाल हम नीचे आ चुके हैं और दीदी ने दे दी यहाँ पे 100 रुपए सानवी के हाथ में, तो पैसे मैं चेक कर रहा हूँ वैदिक के हाथ में दिए कि नहीं। मैं तो वैदिक को ही ढूंढ रहा हूँ। क्या भाई, 300 रुपए कहाँ गए? वैदिक के लिए, वैदिक के लिए और उसके लिए। अच्छा वैदिक के 200 रुपए? अच्छा 100 उसके। वैदिक ला बेटा, लो पापा को दे दो, पापा लेके आएंगे आपके लिए गुल्ला। वो बेटा मोमोस लेके आएंगे। नो, ये बड़ा वाला ले ले, ये बड़ा वाला ले ले, जरूर जरूर रहना। हाँ पहले से इनविटेशन दे दिया, पहले ही डेट बता दिए, शनिवार एतवार है, ये भी बता दिया मैंने। हाँ चलो भाई, तो यहाँ से चलते हैं सीधे घर की तरफ। हम भैया फाइनली 1 घंटे के अंदर अंदर हम पहुँच गए हैं घर, और बाहर आके पता चल रहा है ठंडी। अच्छा दिखाओ अरे वाह, मम्मी ने चाय वाय बना रखी है। अरे मेला नन्नू आ गया, चलो भाई फाइनली पहुंच गए घर। तो दोस्तों बन गया है डिनर, और आज डिनर में बनाया है छोले चावल, तो दिखाती हूँ। ये देखो भाई, अभी इन्होंने देखा शंभू को पहनते हुए, तो देखो ये पहनने लग गए दोनों अपना आप। वो उसको पहना रहा है शैली को, और शैली इसको पहना रही है। कैसे तो फिलहाल अभी जो है 10:30 बज रहे हैं, खाना वाना जल्दी खा लिया हमने। कहाँ फेंक दिया उन्हें, तो खाना हमारा हो चुका है, जल्दी खाना खा लिया था आज, और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अंजलि जो है थोड़ा बहुत अभी फिलहाल किचन का काम करने में लगी हुई है भाई। सो दोस्तों, आज के व्लॉग को वहीं से बोलेंगे बाय बाय। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।